हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये देखो, एक ये हीटर था 2400 वाट का, 220 वोल्ट। तो चलो इसको देखते हैं क्या मुश्किल है। ये चालू नहीं हो रहा, आप लोग को दिखा दूँ। असल में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो देखो, ये चार एलिमेंट लगे हुए हैं, एक इधर है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये नीचे है। ये बहुत बड़ा है, वीडियो में सही से आ भी नहीं रहा। तो चलो इसको देखते हैं क्या मुश्किल है। देखो, ये चारों ऑन पोजीशन पे है। चलो कंटिन्यूटी से पहले चेक करते हैं। हाँ, तो गैस पहले इसको कंटिन्यूटी पर रख लेंगे। ये देखो, ये कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब या तो वायर वायर का मसला होगा या कोई मुश्किल है। अंदर खोल के देखते हैं। इधर तो मैं चेक किया हूँ पलक में, पलक बराबर है इसका, ये फ्यूज व्यूज सब कुछ ओके है। तो गाइस देखो, ये खोलने का आगे से खुलेगा, पीछे से साइड से कहीं से एक भी स्क्रू दिख नहीं रहा। तो ये खुलने का, इधर ही खुलना चाहिए आगे से। तो इधर ही खुलेगा, जाली पहले बाहर निकालेंगे। गाइस देखो, ये यही है, यही इसमें होल में देखो ये फंसा रहता है। तो इधर भी देखो होल है, उसी में ये फंसा रहता है। तो इसको निकालेंगे बाहर पहले, बचा के, ये अल्मोनियम रहता है, बचा के इसको पहले नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा करके, बचा के कॉइल ना खराब हो, एलिमेंट खराब ना हो। तो देखो ये ऐसे निकलता है। गाइस वैसे कॉइल भी चेक कर लेते हैं इसका, एलिमेंट एलिमेंट का ये इसके इस पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा इधर रखेंगे। हाँ, तो देखो ये मतलब एलिमेंट दिखा रहा, एक इधर एक इस साइड। देखो ये भी दिखा रहा, मतलब ये एलिमेंट मुझे तो लगता है सब सही है बारह, इसलिए कि कोई भी नहीं जल रहा। तो पहले हम लोग सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखो ये दिखा रहा, एक ये बचा, ये वाला भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखो दिखा रहा, मतलब एलिमेंट तो सही दिख रहा है। बहरहाल चलो इसको पहले मेन सप्लाई चेक करते हैं, इसलिए कि मेन सप्लाई का मसला है। मैं एलिमेंट इसलिए चेक किया कि ताकि मालूम पड़ जाए कि एलिमेंट सब सही है ना। चलो हाँ, तो गैस देखो, ये कंटिन्यूटी जो है इस पे देखो, ये मेन, ये इसका मेन वायर जो है, ये देखो ये रेड वाला आया, ये वाला, ये मेन, यही दोनों आया है, एक से आया, एक से एलिमेंट को गया है स्विच से होकर के, हाँ थर्मोस्टेट से होकर। हाँ, तो देखो ये नीचे वाला देखो कंटिन्यूटी दिखा रहा, थोड़ा नीचे दिखा, देखो ये इस पर कंटिन्यूटी दिखा रहा, ऊपर नहीं दिखा रहा, ये मतलब हमारी सेफ्टी स्विच खराब दिख रही है। तो चलो उसको डायरेक्ट करते हैं, फिर आप लोग को चालू करके दिखाते हैं। हाँ, तो हेलो गाइस देखो, ये हमने ये वायर दोनों, ये जो स्विच का है, दोनों एक एक से इन एक से आउट होता है, उसी का वायर देखो हमने ये ऐसे ही फंसा के रखा। देखो अभी कंटिन्यूटी दिखाएगा, देखो दिखा रहा होगा, मीटर दिख रहा है बराबर, नहीं दिख रहा। देखो ये कंटिन्यूटी इस पर देखो रखा हूँ, तो कंटिन्यूटी बराबर परफेक्ट यानी दिखा रहा है। तो एक पॉइंट देखो, सॉरी। हाँ, तो गाइस देखो, ये अभी देखो पलक पे रख रहा हूँ तो दिखा रहा, जो कि मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये सेफ्टी वाला स्विच जो था ना, ये एक से इन जो होता है, एक से आउट होता है, बस इसी को हम डायरेक्ट करेंगे, इसलिए कि सेफ्टी स्विच जो है ये खराब है। देखो ये सेफ्टी स्विच जो नीचे लगी रहती है, यही काम नहीं कर रही है, वो खराब है। तो लोग देख सकते हैं, देखो वही दोनों वायर देखो है। तो चलो इसको अच्छे से ज्वाइंट करके टेप मारते हैं। इसको कटिंग नहीं करेंगे, देखो ऐसे अच्छे से ज्वाइंट मार देंगे। बाद में इसको स्विच लगा भी सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही इसको मार के अच्छे से टेप मार दे रहे हैं, फिर वो इसलिए इधर है वो चढ़ा देंगे, तो इससे थोड़ा सेफ्टी रहेगी।
तो गाइस ये देखो अच्छे से इसको टेप ऑफ कर देंगे। अभी फिलहाल मेरे पास स्विच है नहीं, लेकिन मैं लगा के दिया था, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, फिर भी मुश्किल नहीं है कोई। हाँ तो थर्मोस्टेट भी इसमें लगे हैं, तो सेफ्टी के लिए वो लगा रहता स्विच, उसका काम ये रहता है। तो गाइस वो सेफ्टी स्विच जो था ना, उसका काम यही रहता है, जैसे ये हीटर किसी ने गिरा दिया रात में, मान लो रात में सोया है, कोई सोया है और सोते समय कोई जानवर ही गिरा दिया, कोई इंसान कैसे पैर उड़ से लग के गिर गया, तो उससे सेफ्टी ये रहता है कि बंद हो जाता है। तो इससे एक चीज़ का फायदा यही है, और बाकी उसका कोई और काम नहीं रहता, लेकिन उतने से ही वो बहुत सेफ्टी रहता है, आग उग नहीं लगती है, अगर गिर गया तो कम से कम आग तो नहीं लगेगी। हाँ तो गए फिर ऐसे ही फिट करके, अभी जाली लगा के आप लोग को चालू करके दिखाते हैं। तो इसमें हीटर में कोई खास कारगिरी नहीं है, बस ये कि थोड़ा सेफ्टी से काम करना चाहिए। अब बोर्ड वोड में सप्लाई देने से पहले मीटर तो पहले चेक कर लो, इसका ग्राउंड वाउंड सब। हाँ ग्राउंड वाउंड चेक कर लेंगे तो फिर वो कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो ये इसमें लाग जो है इसमें बैठे, अरे ये खांचा बना रहता है, होल रहता है, उसी होल में डाल के इसमें थोड़ा सा करके खींच देंगे। हाँ ये देखो, ये देखो बस खींच दिया, अभी देखो परफेक्ट हो गया। चलो इसको चालू करते हैं। हाँ तो गाइस देखो ये पहले इसको करंट भी चेक कर लेंगे, कहीं बॉडी वॉडी में अर्थ उर्थ नहीं ना आ रहा, तो ऐसे कंटिन्यूटी तो दिखा रहा है। अभी करते हैं चालू। हाँ देखो ये दिखा रहा है, ग्राउंड वाउंड नहीं है। हाँ तो गाइस देखो ये हमारा चारों कॉइल, चारों एलिमेंट मतलब वर्क कर रहा है। तो देखो ये चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थोड़ा सा लाइट भी बंद करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं अच्छे से। देखो ये चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस थैंक यू, चलो फुल लाइट। थोड़ा सा गलती उलती अगर होती है थोड़ा कमेंट वमेंट बता दिया करो, इसलिए कि थोड़ा बताने में असल में काम करो, और वीडियो चक्कर में थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि बताने उतने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। असल में बहुत बड़ा है, हाँ देखो ये बहुत बड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने मुश्किल होता है। ओके गाइस थैंक यू।